आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। रतलाम के वार्ड क्रमांक 30 के कांग्रेसी नेता शेरू पठान ने टिकट वितरण से 10 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में जल्द ही परिवार की महिला को मिला बीजेपी से वार्ड 30 का पार्षद टिकट, फिर मिली निर्विरोध जीत। 20 दिनों में टिकट और जीत, अब बीजेपी में जश्न, फूलमालाओं से स्वागत, खिलाई गई नेताओं को मिठाई। रतलाम में वार्ड 30 से भाजपा निर्विरोध जीत की खुशी मना रही है। वार्ड 30 बीजेपी प्रत्याशी शबाना खान ने भाजपा एमएलए चेतन कश्यप और अन्य पदाधिकारियों को जीत की खुशी में मिठाई भी खिला दी। विधायक चेतन कश्यप के निवास पर भाजपा वार्ड 30 से जीत का जश्न मना रही है। ये प्रदेश में पहला मामला होगा जहां इस तरह से भाजपा चुनाव के पहले नगर निगम में निर्विरोध सामने आई हो। इसमें भी बड़ी बात ये कि 25 साल कांग्रेस में रहे मुस्लिम परिवार के शेरू पठान ने कुछ दिन पूर्व परिवार के साथ भाजपा ज्वाइन की थी। भाजपा ज्वाइन करते ही मुस्लिम परिवार की महिला शबाना खान को वार्ड 30 से भाजपा ने टिकट दे दिया। वार्ड 30 में ही कांग्रेस ने मुस्लिम महिला रुखसाना को टिकट दिया था, लेकिन एक वक्त पर डॉक्यूमेंट में कमी के कारण उनका नाम निरस्त हो गया। उनकी जगह निर्दलीय नामांकन भरने वाली महिला हमीदन को कांग्रेस ने अपना टिकट दिया, लेकिन पहले टिकट मांगे जाने पर हमीदन को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। इस बात से नाराज महिला हमीदन ने अपना नाम ही वापस ले दिया और अब भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीत की खुशियां मना रही हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उज्जैन संभागीय ब्यूरो क्रांति पवार की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम शबाना खान है और वार्ड क्रमांक 30 से मैंने जीत हासिल की। किस तरह से आपको जीत मिली है, क्या है? जी, मेरी जीत तो खैर निर्वाही निकली है, और तो कुछ भी नहीं है। बस सब लोग का, साथीगण का, सबका साथ था और पारिवारिक साथ था। हमारे जेठ जी हैं जो शेरू पठान खान साहब, उन सब का साथ, दिनेश अंकल, हमारे माननीय विधायक कश्यप सेठ जो हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया और आगे हमको प्रोत्साहन दिया कि बीजेपी में आए, आपका स्वागत है। उन्होंने बहुत मान दिया, उस मान पे आज हम खड़े उतरे कि हम जीत हासिल। आपके जो जेड हैं वो शेरू पठान साहब, वो कांग्रेस के पुराने नेता थे, काफी अच्छा रसूख था उनका कांग्रेस के अंदर। क्या लगा आपको, किस कारण बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? जी सर, 25 साल हो गए उन्हें कांग्रेस में काम करते हुए। उन्होंने हर वार्ड में आप जाके तलाश कर सकते हैं कि निस्वार्थ काम करा। उनको कोई पद नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कभी उनको कभी मौका नहीं दिया, आज तक टिकट नहीं दी। हमने अभी कांग्रेस में भी अप्लाई करा, लेकिन हमें वहाँ भी सुनवाई, लेकिन श्री माननीय कश्यप जी ने हमें बुलाया और हमको ये मौका दिया। तो हमने, जब उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया, तो हम भी उनके पास चले गए कि आज हमको उन्होंने पूछा, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्या मानते हैं, बीजेपी आपके जेट और आप लोगों के लिए लक्की साबित हुई? जैसे ही आपकी एंट्री हुई तुरंत टिकट मिला और फिर जीत। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी हमने सुना था, लेकिन आज हम उस पार्टी में गए हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के मंडल, वहाँ का महिला मंडल, उन्होंने कल बहुत अच्छी तरीके से हमें ट्रीट करा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं होने दिया कि हम बाहर से अभी ज्वाइन करें। हमें ऐसा करा कि हम उनके पारिवारिक इंसान हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने कल हमारा सम्मान करा और हमें दिल से खुशी हुई कि आज हमने सही पार्टी चुनी। बाकी लोगों को तो मतदान 13 तारीख को होगा, रिजल्ट 17 और 18 में आएंगे। आप तो पहले से ही जीत का सेहरा मान के बैठे हैं, तो किस तरह से खुशी मिली आपको? बस ऊपर वाले के दिन खुशी, सबका आशीर्वाद था, विधायक जी का आशीर्वाद था, इस वार्ड वासियों का था, पारिवारिक था, सबका, मतलब हमारे बड़े छोटे सभी का मैं मान रखते हुए बोलती हूँ कि सभी ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मैं आज इस काबिल खड़ी हुई हूँ। आज मैं मुबारक खान के लिए भी कहना चाहती हूँ कि शायद उन्होंने नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। वार्ड नंबर 30 से हमारी बहन शबाना निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में फहरा रहा है, और निश्चित
हम रतलाम में महापौर के साथ में अन्य सीटों पर भी बहुत ताकत से जीतेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि, एक मुस्लिम महिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध प्रत्याशी के रूप में सामने आई है और आपने उन्हें, उनकी जो कार्यशैली है वे महिलाओं के लिए, महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य करना चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक सर्वस्पर्शी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास पर निरंतर आगे बढ़ती रही है। कितने लंबे समय से आप कांग्रेस में थे और क्या कुछ ये सोच में परिवर्तन हुआ कि भाजपा में आए और परिवार के सदस्य को भी प्रत्याशी आपने भाजपा से बनवाया? मैं लगभग 27 साल से कांग्रेस की सेवा करते आया हूँ और बार बार कांग्रेस ने मेरी उपेक्षा की है। और इस बार जब मैं रतलाम सिटी के विधायक चैतन्य काश्यप जी से मैं मिला तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी मोदी और उनके जो कार्य जनहित से किए जा रहे हैं उनसे मैं प्रेरित होकर और मैंने भाजपा को ज्वाइन किया। और भाजपा ज्वाइन करते ही मेरे परिवार को भी मैंने भाजपा में ज्वाइन करवाया, जो एक मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। विधायक चैतन्य जी काश्यप ने मुझ पर जो विश्वास जताया था कि 25 साल से ये वार्ड नंबर 30 की जो सीट थी वो कांग्रेस के हाथ में थी, उनको मैंने, विधायक चेतन जी काश्यप को भी विश्वास दिया कि मैं इस बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में ला के दूँगा। मेरे इस विश्वास को उन्होंने बनाए रखा और मेरे परिवार की जो छोटे भाई की जो बहू थी उनको भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 30 से भाजपा का उम्मीदवार भी बनाया। आज जो विधायक जी ने मेरे पर जो विश्वास जताया था, आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर पालिका में पहली महिला मुस्लिम पार्षद निर्विरोध चुनी गई है, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी और विधायक चैतन्य काश्यप जी का मैं ऋणी रहूँगा।